Hi guys, welcome to Maharashtra MCSET 2021 podcast video. Today we have Chaitali Gongare from Maharashtra Ahmednagar, and she got 99.55 percentile in MCSET exam. Hi Chaitali, congratulations. Hi sir, thank you for this wishes. Okay, so 99.55 percentile have scored in your CET 2021. How's the feeling after getting the score? Feeling is very nice, sir. I never thought that I will get 99%. Mujhe to bas lag raha tha ki acha milega. Above 85 tha, but 99 socha nahi tha kabhi. Okay. Ideally, those who are in Mumbai, Pune, Nagpur, jo tier 1 city hai Maharashtra ke, wahan se log acha score leke aate hain. I mean, this is what the... But ek thoda sa... टायर टू टायर थ्री जो सिटी है वहां से भी नाउ पीपल आर परफॉर्मिंग वेल. वहां के जो लोग है वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे आर हिटिंग गुड स्कोर इन सीईटी. तो दिस इज द ग्रेट काइंड ऑफ लर्निंग और द एस्पिरेशन यू आर फॉर दीज पीपल. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि मुंबई रहकर अच्छी कोचिंग लेकर के अच्छे क्लास में जाके अपना एंट्रेंस निकलेगा, ऐसा नहीं है. दिस इज वॉट द वन प्रूफ यू हैव गिवन. ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर प्रिपेयरिंग, हाउ डेडिकेटेड यू आर योर प्रिपरेशन, एंड हो जाएगा आराम से. चैताली, कमिंग टू दी एमसीए, फर्स्ट ऑफ ऑल वांट टू अंडरस्टैंड योर एकेडमिक बैकग्राउंड, उसके बाद बात करेंगे प्रिपरेशन को लेके. योर एकेडमिक बैकग्राउंड, एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन बीएससी फिजिक्स फ्रॉम पीयूपी कॉलेज प्रवरा नगर. इट इज इन अहमदनगर. ओके, आई हैव नो सच डेफिनेट प्लान फॉर माय करियर. देन आई गिव MBA CET फॉर Maharashtra MBA CET. In that I have scored only 75. उस टाइम भी मैंने प्रिपेरेशन नहीं किया था, ऐसे ही अपीयर हो गए थी कि चलो देखते कैसा पैटर्न होता है. उसके बाद तो लॉकडाउन पड़ गया, तो उसकी वजह से एग्जाम एक्सटेंड होते गए और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया. उसके बाद तो सिविल सर्विसेस करना है ऐसा सोचा था, बट कुछ कारणों के वजह से नहीं कर पाया. तो भाई ने सजेस्ट किया कि एमसीए कर लो. तो अप्रैल 2021 में देखा कि एमसीए के लिए कौन कौन से एंट्रेंस होते, तो फॉर्चुनेटली उस टाइम नहीं हो महाराष्ट्र सीईटी कोविड की वजह से एक्सटेंड हो गए थे. तो जुलाई में फॉर्म फिलअप किया और स्टार्ट की प्रिपरेशन. एक्चुअली मैं तब वर्क फ्रॉम होम भी कर रही थी एक कंपनी में, अभी भी चालू है. तो 11 से लेकर शाम के 6 बजे तक वो होता था, उसके बाद 7 से लेकर 9 बजे तक स्टडी किया और जुलाई अगस्त और फिर मिड ऑफ सितंबर में तो पेपर ही था, तो इतना टाइम मिला. ओके, दैट इज अ गुड थिंग, लाइक गुड लर्निंग फ्रॉम यू. Those who are watching this podcast, like along with your job, ऐसा नहीं है कि preparation नहीं हो सकती है. It's just that कि हमारे mind में वो रहता है कि job है तो कैसे manage करेंगे. But it's just that कि अगर mind ये चीज clear है कि I have to crack the exam, तो फिर job के साथ preparation कब हो जाएगी पता नहीं चलेगा. हाँ. Right. Right. All right. So next is about the preparation part. So any schedule you had made for all the section like maths, logic, कंप्यूटर और इंग्लिश, फोर सेक्शन थे, तो इसके लेके कोई स्केड्यूल बनाया था? सुबह में मैथ्स इंग्लिश करेंगे, फिर मैथ्स करेंगे, फिर कंप्यूटर करेंगे, कुछ ऐसा तो स्पेसिफिक नहीं बनाया था. बट मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा सा इजी लगता था, इस वजह से रीजनिंग के लिए थोड़ा कम टाइम, और जब सुबह का समय हो तो उसके लिए मैथ्स, या मतलब दो मैथ्स होते थे, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड एक मैथ्स ऑफ 11th 12th. तो उसके लिए सुबह का टाइम जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो, और कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं था इस वजह से कंप्यूटर का थोड़ा सा करना पड़ा. राइट राइट, सो मैथ्स में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सिंस यू बिलोंग टू द साइंस बैकग्राउंड, ऐसा था? यस यस, मैथ्स के क्वेश्चंस में ऐसा कौन सा टॉपिक मैथ्स के सेक्शन में टफ लगता था और कौन से टॉपिक इजी, कुछ आइडिया याद है? मुझे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा अच्छा इजी लगता था. कॉनिक सेक्शन थोड़ा हार्ड लगता था. कॉनिक सेक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. यस. ओके ओके ओके,
कमिंग टू दी लॉजिक वाला पार्ट जो है, लॉजिक को कैसे प्रिपेयर करते थे? सिर्फ प्रैक्टिस किया हो गया या क्या प्रैक्टिस एग्जैक्टली? किया हो गया, प्रैक्टिस किया हो गया प्रैक्टिस किया एंड हो गया। उसके। हाँ ओके, एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश? जो 20 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इंग्लिश मेरा ग्रामर अच्छा था शुरू से, थोड़ा सा रूल्स रिवाइज किए, थोड़ा वोकैबुलरी पे फोकस किया, वो वोकैबुलरी का पार्ट आया था, एंटोनिम्स सिनोनिम्स एक्सेट्रा, तो हो गया इंग्लिश हो ग्रामर गया, सगड़े सगड़े छान जाला, शान सर। जाला मराठी में ऐसे बोलते हैं, राइट राइट, राइट राइट। ओके, यू वांट टू स्पीक इन मराठी, देन यू कैन स्पीक इन मराठी ओके, थैंक यू समवेयर सर। समवेयर, नॉट टोटली। नॉट, क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती है, हाँ आई एम ऑल्सो स्टिल लर्निंग फेस। ओके इट इज ओके, गुड। सो वांट टू अंडरस्टैंड, बीइंग इन अहमदनगर, जो प्रिपरेशन थी आपकी वो, आई मीन कैसे, मतलब कैसे हो पाई, मतलब कि सेल्फ प्रिपरेशन से, एज यू मेंशन आपने उससे किया, ठीक है। ये जो हाँ आपने पॉइंट ऐड किया उसके लिए हम सेशन में ऐड कर सकते हैं। सो वांट टू अंडरस्टैंड ऑल द एस्पिरेंट दोज हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, व्हाट सेशन और द टिप्स यू वांट टू गिव देम, जो भी अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट है 2022-23 के, एमसीए एंट्रेंस का एग्जाम अगर क्रैक करना है, एमसीए सीटी, तो कैसे क्रैक करना चाहिए और क्या क्या टिप्स सेशन आपके एंड से उनको देना है आपको? मेरा टिप्स तो यही रहेगा कि कंटिन्यूअस स्टडी करते रहो, स्पेसिफिक शेड्यूल बनाओ, और शुरुआत में देखो आपने कि नहीं बनाया हमें था आप तो दूसरे लोग को बनाना हाँ चाहिए, लेकिन इस चाहिए, और अगर हम किस पार्ट में वीक है वो देखना चाहिए, उस पर ज्यादा मेहनत करना चाहिए, उसी के साथ जिसमें हम परफेक्ट है उसमें और कैसे हम मार्क्स गेन कर सकते हैं, और निगेटिव मार्किंग थोड़ा मतलब कम होना चाहिए, उस हिसाब से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, और टेस्ट सीरीज रेगुलरली देते रहना चाहिए, उससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। करेक्ट करेक्ट, फाइन। सो गाइस, दिस इज व्हाट द पॉडकास्ट रिगार्डिंग दी एनसीएसटी, मेनी अदर पॉडकास्ट विद रिगार्ड्स टू दी एनसीएसटी विल बी कमिंग अप, सो बी कनेक्टेड विद दी चैनल, एंड वॉट एवर एक्सपीरियंस चैताली हैज शेयर्ड विथ यू, काइंडली इम्प्लीमेंट द सेम सो दैट यू कैन क्रैक द एग्जाम विद अ गुड स्कोर। इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल देन टू यू कैन प्रिपेयर एंड मैनेज टू क्रैक द एग्जाम द वे चैताली हैज डन। ऑलराइट, सो थैंक यू ओके चैताली कमिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।